एसएसटी में चैप्टर नंबर थर्ड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके पहले हमने दो चैप्टर कवरअप कर लिए हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने के हवाले हैं। इसका नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया को कितने फिजिकल डिविजन्स में बांटे गए हैं? सिक्स फिजिकल डिविजन्स में। सिक्स फिजिकल डिविजन्स में फर्स्ट का जो नाम था वो था द नॉर्दर्न माउंटेन्स, चैप्टर नंबर टू में हमने पढ़ा था। और जो थर्ड सेकंड फिजिकल फीचर्स है जिसको बोलते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये आपका थर्ड चैप्टर है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। प्लेन्स किसको बोलते हैं, प्लेन्स का मतलब क्या होता है? प्लेन एक ऐसी एरिया होती है राइट, जो क्या होती है, टोटली की टोटली फ्लैट होती है। और ये किसकी बनी होती है, सॉइल्स की। ये सॉइल्स जो है कहाँ से होते हैं, जब भी रिवर्स कहीं से ओरिजिनेट होती है, माउंटेन्स से ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, जब वो जो रिवर है ओशियंस के वैली से होते हुए क्रॉस करती है, तो वो रॉक्स को क्या करती है, इरोड करती है। इरोड करने के बाद वो रॉक्स को अपने साथ लाती है, उनको सेडिमेंट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके अपने साथ बहा के लाती है। और अपना जो रिवर बेसिंस होता है, यानी रिवर जहाँ फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है, तो ये क्या करती है, सेडिमेंट्स को किनारों किनारों पे दोनों साइड में क्या करती है, ड्रॉप करते जाती है। समय के साथ क्या होता है, इनका क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है, क्या होते हैं, क्या और ये जो पार्टिकल्स थे, बोल्डर्स थे, रॉक्स के छोटे छोटे टूट जाते हैं और एक इसका फॉर्मेशन हो जाता है सॉइल का। और ये सॉइल बनने मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं राइट। तो ये एक फ्लैट लैंड बनती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्लेन्स। यानी प्लेन्स बनते किसके द्वारा है, रिवर्स के द्वारा। और रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, माउंटेन्स के ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से राइट। तो ये जो चैप्टर का पढ़ने, इसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी ये जो प्लेन्स है इंडिया के कौन से पोर्शन में मिलेगी आपको, नॉर्दर्न पोर्शन में मिलेगी। ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव जो है, हमारे पास टोटल पांच ऑब्जेक्टिव है। पहला ये कि हम पढ़ेंगे सतलुज बेसिन के बारे में, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बेसिकली तीन नदियों के द्वारा बनाया गया है। कितनी, तीन। फर्स्ट को बोलते हैं सतलुज रिवर के द्वारा बनाया गया, जिसको बोलते हैं सतलुज बेसिन। दूसरा जो रिवर है इसको बोलते हैं गंगा रिवर के द्वारा, गंगा रिवर ने एक बेसिन बना रखा है उसको बोलेंगे गंगा बेसिन राइट। और जो थर्ड है उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर ने इसको बना रखा है इसलिए इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा बेसिन। उसके बाद पढ़ेंगे कि ये जो तीन बेसिन है, रिवर बेसिन होती है, तो रिवर बेसिन में पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या कि वन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड देन गंगा एक्शन प्लान, जो गंगा रिवर है उसको क्लीनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं, तो वो प्रोजेक्ट बेसिकली किस बारे में है उसको पढ़ेंगे जरा। उसको करने से पहले, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इनको करने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ द फोर इंपॉर्टेंट सिटी, चार महत्वपूर्ण शहरों का पिक्चर आपको यहाँ जो है स्क्रैप करना है, चिपकाना है, जो पाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, और उनका नाम भी लिखना है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स मैंने आपको बताया था, अगर आप यूपी से हैं या आप बिहार से हैं, ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं, बिल्कुल नॉर्दर्न प्लेन्स में पढ़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यूपी का और बिहार का कोई भी चार शहर ले लीजिए। जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो लखनऊ का, इलाहाबाद का, बनारस का, या फिर ग्रेटर नोएडा का, जहाँ का भी ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। अगर बिहार में है तो आप पटना का, भागलपुर का पिक्चर ले सकते हैं। किसी का पिक्चर लेके फोर यहाँ स्क्रैप कर दीजिए और उनको जो है उनका भी नीचे जो है टाइटल डाल देना, समझ गए आप उस जगह का नाम क्या। तो अब बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ये पिक्चर देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप प्लेन्स का देख सकते हैं, अपने स्कूल का जो ग्राउंड है ना, द प्रेसिडेंट का जो ग्राउंड है, या फिर आपका जहाँ घर है टोटल, तो देखिए जहाँ हम लोग खेती करते हैं, आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं या कल्टिवेशन कर रहे हैं, गन्ना कोई बो रहा है, कोई गेहूँ बो रहा है, कोई धान बो रहा है, तो जिसकी जब कल्टिवेशन खेती करते हैं लोग, जो जमीन पे करते हैं, वो टोटल का टोटल क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स है वो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया। तो नॉर्दर्न प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कहाँ पड़ता है, लाई का मतलब पड़ता है साउथ टू द सदर्न माउंटेन्स, सदर्न माउंटेन्स थी ये, सदर्न माउंटेन के साउथ में क्या पड़ता है, नॉर्दर्न प्लेन्स पड़ता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट, यहाँ एक स्टेट पड़ता है वो है पंजाब। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है
स्टार्ट होता है कहाँ से, पंजाब से, कहाँ से, पंजाब में, और खत्म होता है जहाँ के, आसाम में। शुरू होता है पंजाब से, खत्म होता है आसाम में। आसाम कहाँ है, ईस्ट में है, और पंजाब कहाँ है, वेस्ट में। ये बोल सकते हैं कि नदन प्लेन वेस्ट में, यानी आसाम से फैला हुआ है, ईस्ट में आसाम से वेस्ट में, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, पंजाब तक ये फैला हुआ है। द नदन प्लेन्स हैव बीन फॉर्म बाई द थ्री मेजर रिवर। जो नदन प्लेन है, तीन नदियों के द्वारा बेसिकली जो है बनाया गया है। एंड देयर द टिब्यूटरी, टिब्यूटरी का मतलब होता है, ये देखिए बड़ी नदी है राइट, अगर इसमें कोई छोटी नदी आके मिल गई तो इसी नदी को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी, समझ गए, सहायक नदी बोलते हैं। कौन कौन सी नदी है वो, इंडस, इंडस एक रिवर है। अब इंडस की पांच ट्रिब्यूटरी नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनम, रावी, सतलज, ब्यास राइट। तो उसमें से जो इंडस का है, इंडस रिवर है, लेकिन इंडस की कौन सी रिवर, वो है सतलुज राइट, सतलुज, देन गंगा, देन ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदियां, यानी किसके किसके, सतलुज फर्स्ट, सतलुज सेकेंड, गंगा थर्ड, ब्रह्मपुत्र। इन तीन नदियों ने पूरा का पूरा गंगेटिक प्लेन जो है, पूरा का पूरा जो नदन प्लेन से बना के रखा है। दिस रिवर्स अलॉन्ग विद द डैम, वो ये जो रिवर्स जब कहाँ से निकलते हैं, हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं, दे ब्रिंग विद डैम, वो अपने साथ लाती हैं, क्या लाती हैं, मिनरल्स लाती हैं, रॉक्स लाती हैं, सिल्ट लाती हैं फ्रॉम द माउंटेन्स, एंड डिपोजिट देम, डिपोजिट का मतलब जमा कर देती हैं, लाके ऑन देयर बैंक्स। ये रिवर है, नदी से लाई, अपने साथ पत्थर तोड़ के लाई, अपने साथ मिनरल लेके आई, और लेके आते जाते ये आगे बढ़ रही हैं, और इनको अपने अपने किनारे पे क्या कर देती हैं, डिपोजिट कर देती हैं ऑन देयर बैंक्स। बैंक का मतलब वो पैसा जमा करने वाला बैंक नहीं, यहाँ बैंक का मतलब किनारा होता है, एंड द सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के इलाकों में इनको डाल देती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि द सॉइल ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज द वेरी फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, यानी अगर यहाँ पे आप कोई फसल डालोगे, कोई बीज डालोगे, सीड डालोगे, तो यहाँ क्या होगा, क्रॉप जो है ग्रो अप हो जाएगा। तो यहाँ की जो मिट्टी है किसकी, नदन प्लेन्स की, वो क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इट इज नोन एज एलुवियल सॉइल। इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल, समझ गए। एलुवियल सॉइल किसको बोलते हैं, तो आपका जहाँ जहाँ खेत है, जिनके जिनके घर खेत है, वो खेत में जाएंगे, अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी उठाएंगे और सोचेंगे उसके बारे में, कोई मिट्टी बनी कैसे, तो जवाब होगा वो मिट्टी बनी है गंगा नदी के द्वारा, और जो मिट्टी आप हाथ में लेंगे उसका नाम क्या है, एलुवियल सॉयल, समझ गए। एलुवियल सॉयल में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं आपके घर, पैडी, राइस प्लांटेशन होती है, रेत की प्लांटेशन होती है, शुगर केन की प्लांटेशन होती होगी राइट, ये एलुवियल सॉयल में ही होता है। द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, इंडस, इंडस की कौन सी रिवर, सतलुज, सतलुज, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स डिवाइड, ये डिवाइड करती हैं, बांट देती हैं नदर प्लेन्स इनटू द थ्री में से। तो पूरा का पूरा नदर प्लेन यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, समझ गया, ये यहाँ से यहाँ तक फैला, तो इनको तीन भागों में से बांट दीजिए आप, चलिए बांट दे, ये हो गया भाग, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग। तो ये वाला जो भाग है, सबसे लास्ट वाला, थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, फर्स्ट, तो जो फर्स्ट भाग है इसको बोलते हैं क्या, सतलुज बेसिन, क्या बोलेंगे, एस से नाम होगा इसका, सतलुज बेसिन। सेकेंड को बोलेंगे जी, यानी गंगा बेसिन। बेसिन का मतलब कि जब नदी बहेगी ना, कहीं से चलेगी, तो उसका जो पूरा रास्ते भर का इलाका होता है, उस इलाका को क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं सिंपल भाषा में। एंड थर्ड हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, तो इसको बोलेंगे बी, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, यानी एस जी बी, सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, तीन बेसिन हो गए, याद हो गए नाम आप लोगों को। चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कि हमारे पास बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन, इसको देख लेते हैं फटाक से। डू यू नो एलुवियल, एलुवियल कंसिस्ट ऑफ द सैंड, क्ले, सिल्ट एंड द ग्रेवल। ये जो एलुवियल मिट्टी होती है, इसमें सैंड, बालू होता है, क्ले यानी कि सिल्ट होता है, ग्रेवल्स होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इट्स आल्सो कंसेन द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में इसका, ऑर्गेनिक इसको बोलेंगे, ऑर्गेनिक बोलेंगे उसको कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो नेचुरल चीज़ें होती है, तो जब वो सड़ती हैं तो सड़ा हुआ जो पोर्सन ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पत्ते कहीं पेड़ से टूटे तो पत्ते सड़ेंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, सड़ेगा,
तो पत्ता सड़ता है, तो अगर मिट्टी मिल जाएगा तो उसको उपजाऊपन, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो ऑर्गेनिक मेथड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी जब बारिश होती है, व्हेन द रिवर्स गेट फ्लडेड, और रिवर्स गेट फ्लड यानी रिवर में पानी क्या होता है, इतना भर गया कि दोनों तरफ लगा है, फ्लड होती है, द एलुवियल स्प्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। अब जो अभी मान लिया कि इतनी बारिश हो रही थी, अब बारिश में जब भयंकर बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, उसको बोलते क्या, फ्लड बोलते, फ्लड आ गया यानी बाढ़ आ गया। तो जब वो ये रिवर बह रही थी, राइट, ये रिवर बह रही थी, तो उसमें पानी इतना हो गया, दोनों तरफ पानी लगा, मैंने आसपास के इलाकों में पानी जमा हो गया, और फिर धूप हुआ सूख गया। तो ये जो मिट्टी जमा करती नहीं, नई वाली, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल, समझ गया। अब बेसिन क्या होता है, बेसिन की डेफिनेशन देख ले, समझ, बेसिन की डेफिनेशन के, बेसिन इज द एरिया, बेसिन एक ऐसी एरिया होती है वाटर बाय द रिवर, जो जहाँ का पानी रिवर के द्वारा लाया जाता है, मीन्स ट्रिब्यूटरी, यानी नदी है, ये अगर किसी एरिया को वाटर कर रही है, उसको वहाँ पानी ला रही है, उसको सिंचित कर रही है, और तो उसको बोलते हैं बेसिन, बोले ट्रिब्यूटरी क्या होगी, ट्रिब्यूटरी मैंने बताया कि वो क्या होती है, स्मॉलर रिवर होती है दैट फ्लो बहती है एंड मर्ज इनटू द बिगर रिवर। एग्जांपल समझ लीजिए, ये गंगा नदी है, राइट, ये गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, कहाँ गंगोत्री ग्लेशियर, वो है उत्तराखंड में, हिमालय माउंटेन में, तो वहाँ से निकलती है, और वहीं के सेम साइड में एक यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना निधर रिवर, और ये यमुना निधर आती 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 यहाँ इलाहाबाद में ऐसे आके जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये यमुना हो गई और ये हो गई गंगा, तो गंगा में कौन आके मिला, यमुना मिला, तो यमुना को क्या बोलेंगे, गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। सेम तरीके से एक रिवर है जिसको बोलते हैं घाघरा और सोन, तो घाघरा ऐसे आती है बह बह के जी, यानी घाघरा, तो घाघरा किसमें मिल गई, यमुना मिल गई, तो ये छोटी नदी हो गई, यमुना बड़ी हो गई, तो घाघरा मिली किस में, यमुना में, तो घाघरा को क्या बोलेंगे, यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर है। वैसे एक नदी आके मिल गई सोन, तो सोन मिली किस में, यमुना में, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर है। एक नदी है रिवर, इसका नाम है गंडक, गंडक नेपाल से आती है, तो ये गंडक आई इसमें आके मिल गए, तो गंडक को क्या बोलेंगे, छोटी है, कहाँ मिल गई आके, गंगा मिल गई, तो गंडक को क्या बोलेंगे, गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है, समझ गए। द थ्री बेसिन्स ऑफ द नदर प्लेन्स आर, तीन बेसिन कौन कौन है, सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। सतलुज रिवर कहाँ से आती है, तिब्बत में, इंडिया का जो नॉर्थ में एक कंट्री जिसका नाम है चाइना, चाइना में एक प्रोविनेंस है जिसको बोलते हैं तिब्बत, तिब्बत भी पड़ता है यहाँ पे हिमालय माउंटेन में, तो वहाँ पे ग्लेशियर, इसका नाम है मानसरोवर झील, लेक है, झील है वहाँ पे, उस मानसरोवर झील से ये निकलती है, मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर, उस ग्लेशियर के पिघलने से सिंधु नदी निकलती है, वहीं से सतलुज रिवर भी निकलती है। गंगा को मैंने बताया कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड को गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से, और ब्रह्मपुत्र जो है ये भी कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है, और ये पहले एंटर करती है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दिन आती है आसाम में, ब्रह्मपुत्र रिवर, समझ गए। अब पढ़ेंगे पहले के बारे में, सतलुज रिवर, सतलुज रिवर है बेसिन, सतलुज रिवर बेसिन बोल सकते हैं। तो सतलुज बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर प्लेन्स, नदर प्लेन है ये, इसका जो वेस्टर्न पश्चिम वाला जो भाग है उसमें ये पड़ता है नदर प्लेन्स। द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो सतलुज नदी और इसका जो ट्रिब्यूटरी नदी है, फ्लोज डाउन दिस बेसिन, अब सतलुज और इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदी है क्या करती है, फ्लोज डाउन बिलो, इसके नीचे बहती है। द मेन स्टेट ऑफ द बेसिन ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा, मतलब कि जो पंजाब है यहाँ पे, देन यहाँ पे क्या है, हरियाणा है, तो इन दोनों राज्यों की, इन दोनों राज्यों की जो मिट्टी है किसने बना रखी है, सतलुज ने, यानी वो कौन से बेसिन में है, सतलुज बेसिन में है दोनों राज्य। द सतलुज बेसिन डज नॉट गेट एनफ रेनफॉल, सतलुज जो रिवर है उसमें बारिश नहीं होती है वहाँ पे, यानी पानी बहुत जो है कम रहता है। सो वेल्स ट्यूबवेल्स एंड द कैनाल्स, इसीलिए वहाँ के आसपास के जो खेत हैं उन खेतों की सिंचाई करने के लिए कुओं का इस्तेमाल होता है, ट्यूबवेल्स पंप सेट का इस्तेमाल होता है, कैनाल्स नहरों का इस्तेमाल होता हैव बीन डग द वाटर द क्रॉप्स। द एक डैम बनाया गया, डैम किसको बोलते हैं, मान लो ये नदी बह रही थी, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि पानी थोड़ा सा चाहिए इसका, फिर कुछ काम करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डैम बना देंगे, थोड़ी सी ऊंची सी दीवार बना देंगे कि
पानी को रोकने के लिए। पानी क्या होगा, यहाँ आएगा, डैम में हमने कुछ स्टोर कर लिया बांध बना करके, अभी पानी जो है हम अपने हिसाब से यहाँ फाटक लगा देंगे, मन करेगा तो इसको खोलेंगे, पानी जाएगा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, इसको डैम बोलते हैं। तो ऐसे एक डैम है जिसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल डैम, या एक सिंपल भाषा में बोलते हैं भाखड़ा डैम बोलते हैं, हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर, इसी सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ द इरीगेटिंग, इरीगेटिंग का मतलब सिंचाई होता है, खेतों की सिंचाई, ऑफ द लार्ज एरिया ऑफ द लैंड। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी, अभी जो डैम है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम, ये जो है ना सबसे हाईएस्ट डैम है इंडिया पे, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे ये डैम बनाया गया है, और इंडिया में अभी तो जो है सबसे जो है हाईएस्ट डैम यही है जिसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल डैम। ये डैम का पानी रोक करके हम खेतों में भेज देते हैं इरिगेशन करने के लिए, और जो पानी बच जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाने। सम ऑफ द फेमस टाउन्स, अब इस रिवर बेसिन की बात करें तो कुछ फेमस टाउन है इस बेसिन में जिसको बोलते हैं, कौन कौन से, अमृतसर है पंजाब में पड़ेगा, जालंधर पंजाब में पड़ेगा, लुधियाना पंजाब में पड़ेगा, अम्बाला पंजाब में पड़ेगा, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में, पानीपत हरियाणा में पड़ेगा। तो ये ऐसी जगह है और इम्पोर्टेंट शहर है इस बेसिन की। मेनी इंडस्ट्री हैव बीन स्टार्टेड इन दिस प्लेसेस, अब इन प्लेसेस पे बहुत सारी जो है इंडस्ट्री लगाई गई है। डू यू नो भाखड़ा नांगल डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, बांग्लादेश। अभी जो गंगा नदी जब पहुंचती है वेस्ट बंगाल पार करके, तो पद्मा जो वहां चली जाती है बांग्लादेश में, इसको बोलते हैं पद्मा रिवर, राइट, इसी नदी का नाम क्या रहता है बांग्लादेश में, इसको बोलते हैं पद्मा। और जब ये पद्मा रिवर मिल के चली जाती है, देखो पद्मा इधर से गंगा आई और यहाँ बांग्लादेश है देश, और इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को आती है तो ब्रह्मपुत्र और ये जब दोनों मिल जाती है यहाँ पे, इसका नाम ही चेंज होता है, इसको बोलते हैं जमुना, कौन से देश में, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, ये बांग्लादेश में है। दिस स्टेट द रिवर फॉर्म्स आल्सो द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ये डेल्टा ही बनाती है जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे लाइट में